was praying to God, भगवान हम दोनों को बचा ले। साले सीट पीछे की दी थी, आगे देनी थी जब आगे। बेंगलुरु ये इंडिया में फर्स्ट वंडरला था, इसके बाद हैदराबाद और कोची में भी खुल चुका है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं रोलर कोस्टर, वहाँ पे और भी हैं बहुत सारे अमेजिंग राइड्स, और बाद में हम चलेंगे वाटर पार्क में भी। तो आइए मेरे साथ, आपको बताता हूँ वंडरला के बारे में। हमने टिकट्स ले लिए 1500 पर पर्सन, अगर आपको फास्ट ट्रैक लेना है तो इट्स ऑलमोस्ट डबल दी कॉस्ट, और अगर आपको लोकल लेना है सो इट कम्स फॉर समथिंग अराउंड 300 रुपीज़ एंड 100 इज़ रिफंडेबल एज डिपॉजिट। और इसके अलावा अगर आप BMTC के किसी बस से आ रहे हैं जो सिटी से स्टार्ट होती है, बैंगलोर सिटी से स्टार्ट होती है, तो आपको मिलेगा 15% डिस्काउंट ऑन योर बिल। सो कम अलॉन्ग, लेट्स एक्सप्लोर वंडरला विद मी, आइए मेरे साथ। हमारा हुआ, अब इनका क्या होगा? ये स्टार्ट हो गया, क्या ये दोनों भी बनेंगे खतरों के खिलाड़ी? तो जो ऐसे पॉइंट पे अगर पीछे वाला उल्टी कर दे, सामने वाला पूरा यहीं पे, वाटर पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई कौन सा बस? I was praying to God, भगवान हम दोनों को बचा ले। साले सीट पीछे की दी थी, आगे देनी थी जब आगे। और यहाँ पर आ गए हैं कुछ वानर अस्त्र यूज करते हुए लोग, वो देखें बिल्कुल देखने में भी वानर, और हटकते भी वानर अस्त्र वाले। गैस रोलर कोस्टर के लिए लाइन देख लीजिए, कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं लाइन में खड़े खड़े, और ये पीछे लाइन में नजर है, और ये सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग अपने बाल सवार जो है। ऐसा लग रहा है कोलकाता में दुर्गा पूजा का पंडाल देखने आए हैं, लाइन लगाए जा रहे हैं। और ये अंकिता और रॉबिन हरकते करते हुए, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगा देना चाहिए, लोग आराम से बैठे रहें उस पर और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ऑलरेडी हाफ एन आवर हमें हो चुके हैं लाइन में लगे हुए, लगता है और हाफ एन आवर हो लग जाएगा, तो लेट्स सी इज द राइड वर्थ इट और नॉट। क्या कह रहे हैं चाचा विधायक हैं के कन्वेयर बेल्ट, ये थोड़ा बड़बड़ाते हुए सी ओ ऑन द राइड। Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth.
क्या बोल रही है ये लड़की, क्या हुआ? भूख लगी है इस लड़की को, उसको छोड़िए, वीडियो एंजॉय कीजिए। इसका क्या था, वो जो हाइड्रोलिक है ना उसी के भरोसे ऐसे सीट पे तो टिके ही नहीं, ऐसे है। मजा आएगा, बेस्ट सोफा। सो गाइस इतने राइड्स करने के बाद लग गई है जोरो की भूख, तो हम आ गए हैं बगल में रेस्टोरेंट में। ये आ गया हमारा पराठा और पनीर, और यहाँ है बिरयानी। नींबू नहीं दिया ऐसा है खाना उनको। अच्छा बढ़िया होमली फूड है, नॉट द पराठा बट द पनीर इज वेरी होमली। ग्रेवी इज लाइक घर का बना हुआ है, सो लेट्स एंजॉय अ मील। सो गाइस अब हम आ गए हैं वाटर पार्क में। ये देखिए मेरे पीछे ये थोड़े बहुत बच्चों वाले राइड्स है। इसके बाद मुझे कैमरा रखना पड़ेगा अंदर लॉकर रूम में, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर मच। एंड यप, बाकी रॉबिन, पूजा, अंकिता ये लोग आ रहे हैं, तो फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़े बहुत वाटर एक्टिविटीज़। वैसे एक बार आपको यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ का ड्रेस कोड आप देख सकते हो, अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है तो यू कैन बाय फ्रॉम योर सामने, आप कॉस्ट देख सकते हो। अंकिता चिकू और मिकू के साथ फोटो खिंचवाते हुए, से हाय, से हाय, हाय, हेलो, नाउ बाय बाय। सो गाइस थोड़ी सी लग रही है भूख, तो हम आ गए हैं बंडला के बाहर, फूड कोर्ट बना है यहाँ पे, आप देख सकते हो कावेरी वेज और चिलीज और चाट गली पिज्ज़ा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, अच्छे अच्छे आप भी आओ खाओ पियो। हमने अपने लिए ऑर्डर किया है वड़ा पाव, ये रॉबिन समझाते हुए बातचीत करते हुए डिस्क्रिप्शन लेते हुए, तो इसके बाद एंजॉय करता हूँ मैं वड़ा पाव। अरे ये आ गई हमारी बहुत ही टेस्टी से दिखने वाली वड़ा पाव। पूजा अब इसको खाएगी और बताएगी कैसी लगी उसे वड़ा पाव। कैसा? वेरी टेस्टी। हमारे को एक फ्री भी दिया ना जी? नहीं, ब्रेड फ्री दिया। बॉन्डा दो है, ब्रेड तीन है, एक्चुअली छह ब्रेड है दो प्लेट में इंस्टेड ऑफ चार, तो हमारा हो गया फायदा। सो गाइज इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज का व्लॉग, हमें आया है बहुत मजा। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यों भाई? एंड यू शुड कम टू वंडरला टू हैव इमेंस फन। व्हाट डू यू गाइस से? मजा आया ना? तो चलो मिलते हैं जल्दी एक नए जगह पे, एक नए एक्सपीरियंस के साथ।
Till then, eat tasty and stay happy. Bye bye. Oh, my God.